आपको कोई नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, आप किसी को मिल जाओ। आपको किसी ने कुछ नहीं दिया, खैर है, आप किसी को कुछ दे जाओ। अपनी ज़िंदगी तबाह करने का आपको इसलिए भी हक नहीं कि बहुत सी जिंदगियां आपसे जुड़ी हुई हैं। आपको नहीं पता इस दुनिया में कौन आपको देखकर खुश हो जाता है, कौन आपसे बात करके अच्छा महसूस करता है, कौन आपसे मिलकर जी उठता है, कौन आपसे कितनी और कहां तवक्को लगा बैठा है, किसने आपसे कहां कितनी उम्मीद लगा रखी है। अपने इस गिर्दोनवाह को आग लगाने का हक आपको किसने दिया है? ठीक है कि आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली, आपका कोई ख्वाब ताबीर ना हुआ, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में आप भी तो किसी की मोहब्बत हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं किसी का ख्वाब हैं। उस किसी को सजा देना कहाँ की दानाई है साहिब, यानी हम ना जी सके तो कोई भी ना जिए। आपका हंसना इसलिए भी अहम है कि आपको हंसता देखकर मां जी को खुशी होती है, आपका होना इसलिए भी अहम है कि आपके होने से किसी का हौसला कायम है। आप उसे कुछ नहीं दे रहे मगर उसका हौसला फकत आपके होने से ही कायम है। इस होने की अहमियत का अंदाज़ा कर लें तो खुदकशी का दिल फरेब रास्ता आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आप गली के चौकीदार को रात का खाना मुहैया करते हैं, शाम के बाद जब आप अपने घर के आसपास नहीं पाए जाते तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसे कितनी बेचैनी होती है, उसे अपनी रात तारीख तर होती दिखाई देती है। आप रास्ते से गुजरते हैं, किसी को 10 रुपये देते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो शख्स सुबह सवेरे सिर्फ इसलिए जल्दी उठकर रास्ते में खड़ा हो जाता है कि आप आएंगे, 10 रुपये देकर जाएंगे। आपने हैंड्स फ्री लगाए होते हैं, गाने सुनते हुए 10 रुपये देते हुए ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि 10 रुपये की आपके लिए कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आपका ना आना उसको कितना दुखी कर देता है। आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि एक गरीब टैक्सी वाले ने आपके आने जाने के औकात किस अहतमाम से नोट कर रखे होते हैं, आपको खबर नहीं होती, और वो मुतय्यन औकात में आपका देर तक इंतज़ार करता है, आपका रास्ता देखता है। आप नहीं आते तो वो मायूसी से दाएं बाएं देखने लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसे पैसे अच्छे देते हों, उसे आप खुदा वास्ते भी तो अच्छे लग सकते हैं। आप पर भरोसा करने को उसका जी चाहता है, वो रास्ते में आपसे कुछ देर बात करता है, आप सुनते हैं, जवाब देते हैं, उसे सुकून मिल जाता है, आपकी गुफ्तगू सुनकर वो मुतमईन हो जाता है। सुकून और इत्मीनान की ये चंद लम्हे उसका दिन संवार देते हैं, मगर आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आपके फकत इस होने से ज़िंदगी को कितनी तौकीर मिल रही है। दर्द में ज़िंदगी होती है, उसे दरियाफ्त करना आपके एहसास का इम्तिहान है। अज़ियतें तो इश्क का मुकद्दर हैं, दर्द से रहनुमाई लेनी है या तबाही लेनी है ये आपके शऊर पे मुनहसर है। दर्द एक हकीकत है, इस हकीकत की आराइश करेंगे तो भला पाएंगे। दर्द को मेहमान बनाकर रखना चाहिए, खातिर तवाज़ो करते रहना चाहिए, मगर इसे मुस्तकिल सकूनत के लिए कमरा नहीं देना चाहिए। मुस्तकिल रहेगा तो एक दिन आपको घर से बेदखल कर देगा। दर्द से सलाम दुआ रखनी चाहिए, गले नहीं लगाना चाहिए, गले मिलता है तो गले ही पड़ जाता है। गले पड़ने वाली ऐसी हर बला के रद्द के लिए एक ही विर्द जुबां पे रहना चाहिए। ज़िंदगी ऐ ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, बाला तेरा। मुझे यूं लगता है जैसे आसमान से रंगों की बारिश हो रही हो, पूरी दुनिया रंगों से नहा जाए, मैं अपने हाथ को रंगों से भर लूं और मेरा वजूद रंगों में डूब जाए। रंग ही रंग हों, इबादत के रंग, मोहब्बत के रंग,
खुशी के रंग, उम्मीद के रंग, आस के रंग, वफादारी के रंग, यकीन के रंग, एतबार के रंग, आजमाइश के रंग, और रंगों में सबसे ख़ास रंग जो हर रंग को जज्ब कर ले, गहरा, दिलकश, वाज़े और नुमाया रंग, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग। पूरी कायनात रोशन हो जाए और मैं उस एक रंग में रंग जाऊँ, रंग जाऊँ।